हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूपी में ई पास कैसे बनवाएंगे, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी इमरजेंसी सेवा की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और आपके यहाँ कई वर्कर्स हैं जो कि डेली वर्क करते हैं और किसी तरह की इमरजेंसी सर्विस में आप इंक्लूड हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप अपना ई पास बनवा सकते हैं। या फिर अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपके घर में कोई पेशेंट है, या फिर किसी तरह कि आपको आपातकालीन जरूरत आ जाती है, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है जिसके लिए आपको कोर्ट कचहरी जाना जरूरी है लेकिन लॉकडाउन लगा है, तो कैसे जाएंगे। तो यूपी में पोर्टल अवेलेबल है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पास बनवा सकते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल का बनवाएं और चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन का बनवाएं, दोनों ही पास आप आसानी से ऑनलाइन बनवा सकते हैं। कैसे आपको ये पास बनवाना है और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए, मैं ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप इस ई पास के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो आप आएंगे rahat.up.nic.in पे। ये URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट क्लिक करके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, ई पास करके लिखा है और न्यू करके ये ब्लिंक हो रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी जिसमें कोरोना वायरस के बारे में बताया है कि अगर सूखी खांसी बुखार एवं सांस लेने में किसी को दिक्कत है आपके आसपास किसी भी आदमी को, तो आप ये 1076 नंबर है हेल्पलाइन नंबर, आप इसके ऊपर तुरंत कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पास बनाने के लिए आपको ऊपर आप देख सकते हैं अप्लाई ई पास का सबसे पहला ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें आप देख सकते हैं आपका एक मोबाइल नंबर मांगा गया, उसके बाद ये कैप्चा एंटर करके आप जनरेट ओटीपी करेंगे। लेकिन नीचे एक नोटिफिकेशन बताई गई है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया है कि जो ओटीपी जनरेट होगी वो आपके मोबाइल नंबर पे 2 से 3 मिनट में रिसीव होगी, और दोबारा से अगर आपको ओटीपी भेजनी है तो कम से कम 15 मिनट का आपको वेट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, कैप्चा एंटर करके और जनरेट ओटीपी करते हैं। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, कैप्चा एंटर कर दिया है और यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से फिर से पॉपअप विंडो रीलोड होकर आए, आपका यहाँ मोबाइल नंबर शो हो रहा है और ओटीपी आपके मोबाइल पे जैसे ही 1 से 2 मिनट में आ जाती है आपको यहाँ एंटर करनी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ क्योंकि ओटीपी अभी मुझे रिसीव नहीं हुई है, तो ओटीपी मुझे यहाँ रिसीव हो गई है। उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर एंटर करा था वो यहाँ पे शो होके आ रहा है, तो मैंने उसको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। तो ये आप फॉर्म देख सकते हैं, काफी बड़ा फॉर्म है, आपको कहाँ पे क्या भरना है ये मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो अप्लाई कर रहा है वो भी नेम डाल सकता है, और अगर किसी पेशेंट के लिए बनवा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप उनका नाम लिखिए। देखिए यहाँ मेंशन है पेशेंट नेम इन द केस ऑफ सेल्फ पास, आप नॉर्मल घूमने के लिए नहीं बना सकते, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पेशेंट का नेम है आप वो यहाँ पे पूरा डाल देंगे, उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो होगी पेशेंट की वो आप डाल देंगे, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन में जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ कंप्लीट एड्रेस जो होगा पेशेंट का जो उनके आधार पे मेंशन होगा वो आप डालेंगे, उसके बाद देखिए पास एरिया, अब यहाँ पर आपको एरिया सेलेक्ट करना होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट में है या फिर आप डिस्ट्रिक्ट के बाहर ले जाना चाह रहे हैं, तो आप जहाँ भी ले जाना चाह रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। विद इन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे फिर है डिस्ट्रिक्ट ऑफ अप्लीकेंट, तो यहाँ से आपको सारे शहर के नाम मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं कि आपका स्टेट है, तो यहाँ से जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ तहसील के ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पर आपको तहसील सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद देखिए पास फॉर सेल्फ ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ ये पूछा जाता है कि जो आप पास बनवाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये अपने खुद के लिए बनवा रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जोमाटो है, स्विगी है या फिर कोई ऑक्सीजन कंपनी है जिसको पास की ज़रूरत है, जिनके आदमी सिलेंडर या फिर किसी भी तरह की डिलीवरी करते हैं तो वो कंपनी के लिए बनवाते हैं, तो यहाँ पर उनको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना होता है और ऊपर उनको अपना नाम लिखना होता है। तो यहाँ आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सर्विस के टाइप आ जाते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इम्पॉर्टेंट सर्विस दी हैं, पहली सर्विस है स्वास्थ्य सेवा और ब्रैकेट में लिखा है पशुओं के स्वास्थ्य सेवा सहित, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी तरह की स्वास्थ्य सेवा पहुंचाते हैं, मतलब जैसे ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, दवाइयां पहुंचाते हैं, तो आप अगर इस तरह की कोई सेवा देते हैं तो आप पहला ऑप्शन टिक करेंगे। अगर कोई अदालती कार्रवाई है, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट या लोअर कोर्ट में कोई भी आपकी डेट है जिसमें आपको पहुंचना जरूरी था, तो उसमें आप ये अदालती कार्रवाई हेतु सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट वाला है आपातकालीन कार्य हेतु, मान लीजिए आपके घर में कोई एकदम से बीमार पड़ जाता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, कुछ ऐसे मसला अगर है
या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए ये आपातकालीन कार्य हेतु का ऑप्शन है, आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे है सर्विस डिपार्टमेंट, तो 11 पॉइंट में है सर्विस डिस्क्रिप्शन रीजन ऑब्लिक पर्पस, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा अगर जैसे आपने स्वास्थ्य सेवा सेलेक्ट करी है तो आप किस स्वास्थ्य सेवा में है, तो आपको यहाँ लिखना होगा। अगर आपने यहाँ पे अदालती कार्रवाई के लिए सेलेक्ट करा तो क्या अदालती कार्रवाई थी वो आपको लिखना होगा। अगर आपातकालीन इमरजेंसी थी तो आपको क्या इमरजेंसी थी वो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ देना होगा। इन शॉर्ट देना होगा, सिर्फ 100 करेक्टर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे 12 पॉइंट है प्लेस ऑफ विजिट। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ विजिट आपको मेंशन तब करनी है जब आप डिस्ट्रिक्ट के बाहर कहीं जा रहे हैं। देखिए यहाँ मेंशन है कि मेंशन द डिस्ट्रिक्ट, तहसील एसेट्रा इफ ट्रेवलिंग आउटसाइड ऑफ द प्रेवेंट डिस्ट्रिक्ट। अगर आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एन ए लिख देंगे, तो आप यहाँ पे एन ए लिख देंगे, काम हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन भरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट का ऑप्शन आएगा कि आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी कि आपको किस दिन का पास चाहिए। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे कैलेंडर ओपन होगा, क्योंकि सेल्फ आदमी जब बनवाता है तो उसका कोई रोज़ का काम नहीं होता, इसलिए उसके लिए यहाँ पे जो पास बनाया जाएगा वो सिर्फ एक दिन का बनाया जाएगा। अब देखिए मैं जैसे आज की तारीख 5 तारीख है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए जैसे पास सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक लास्ट डेट भी टू डेट जो है वो 5 आ जाएगी। तो यहाँ लिख के भी आ जाएगा योर पास विल बी वैलिड फॉर 1 डे ओनली। ये इसलिए क्योंकि आप एक नॉर्मल आप कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहे हैं जिसके लिए आपको रोज़ का पास चाहिए हो, तो इस वजह से एक दिन आ जाता है। अगर आप यहाँ पे जैसे सेल्फ सेलेक्ट करा था इसलिए ये डेट एक दिन की मिल रही है, लेकिन अगर यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर देते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर दी तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और आ गए। अब यहाँ देखिए सर्विस टाइप में आ जाता है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कारागार, जंगल, जल आपूर्ति, डेयरी प्लांट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं जल आपूर्ति सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे जल आपूर्ति कर ली, तो जल जाहिर सी बात है रोज़ पहुँचाना होता होगा, पानी का रोज़ काम होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जब डेट सेलेक्ट करेंगे तो मुझे टू डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये 5 तारीख सेलेक्ट कर ली, अब उसके बाद देख सकते हैं कि पूरे महीने का भी मैं बनवा सकता हूँ और चाहूँ तो मैं और आगे इसको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है। अब देखिए जैसे ये अगस्त का ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर देता हूँ, देखिए 28 अगस्त तक के लिए भी पास बन सकता है। लेकिन मैं फिर से बता दूँ ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, क्योंकि आगे प्रूफ लगाना पड़ता है, वेरिफिकेशन होता है, इसलिए अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए है तभी ये ऑप्शन सेलेक्ट करके डेट का टाइम बढ़ाएं। लेकिन अगर आप सेल्फ सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये डेट नहीं मिलेगी, आप सिर्फ एक ही दिन का पास बनवा सकते हैं इमरजेंसी के लिए। तो देखिए इस तरह से फिर आपको नेक्स्ट पास बनवाने के लिए फिर से अगले दिन की रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर से पास बनवाना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आईडी प्रूफ, आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड आप कुछ भी दे सकते हैं आईडी प्रूफ में। तो यहाँ पे आप आईडी प्रूफ में क्या दे रहे हैं यहाँ पे आपको लिखना होगा, जैसे पैन कार्ड दे रहे हैं तो आपको पैन लिखना होगा, अगर आधार दे रहे हैं तो आपको आधार कार्ड लिखना होगा। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे आप दे रहे हैं आप उसकी फ़ोटो एक अपलोड करेंगे जिसका साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPEG, JPEG और GIF या PNG में से ही फॉर्मेट होना चाहिए। अब जिसके लिए आप पास बनवा रहे हैं, चाहे वो कोई मरीज़ हो, पेशेंट हो, या आप खुद के लिए बनवा रहे हैं, कोई आपको इमरजेंसी सर्विस थी जैसे आपको कचहरी जाना था, तो यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो देंगे, उसी हिसाब से अपनी यहाँ आईडी और यहीं पे अपना जो भी आईडी प्रूफ दे रहे हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आप किस गाड़ी से जाना चाहते हैं वो गाड़ी की आप यहाँ पे नंबर डालेंगे। यहाँ देखिए है व्हीकल टाइप एंड इट्स व्हीकल नंबर। तो देखिए मैंने पूरा फिल कर दिया है, मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरह से यहाँ व्हीकल टाइप में लिखना है। जिस भी गाड़ी से ट्रेवल करेंगे वो गाड़ी कौन सी है तो आपको ऐसे लिखना होगा, जैसे मारुति सुजुकी की गाड़ी है तो आप लिखेंगे मारुति सुजुकी ऑल्टो 800। अगर आप रेंट पे भी किसी की कार ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे कौन सी कार रेंट पे आ रही है वो मेंशन करनी होगी और उसका नंबर क्या है यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आई डिक्लेयर का ऑप्शन है लास्ट में, आप यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल और करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाता है। आप सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको क्या करना है मैं अभी बताता हूँ। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपने इस पेज पे वापस से आ जाएंगे। यहाँ वापस आने के बाद जहाँ से आपने अप्लाई पास पे क्लिक करा था उसी के बगल में ऑप्शन आता है ट्रैक योर एप्लीकेशन का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे जिस मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे लॉगिन करके आए थे, उसके बाद यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डाल के आप सर्च एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो ई पास के लिए आपने अप्लाई करा है उसका स्टेटस पता चल जाएगा कि वो बना है या रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर बन जाता है तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है प्रिंट निकालने का, आप चाहे तो डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं या डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल में उसको रख। तो ये पूरा प्रोसेस था किस तरह से आप यूपी में ई पास के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे।
और तुरंत आपको एक दिन के अंदर ही आपका पास मिल जाता है। वैसे ये सर्विस सिस्टम बहुत तेज चल रही है, तो आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे के अंदर आपका जो रिजल्ट होता है या पास जनरेशन होता है या कैंसिलेशन होता है, ये आपको 1 से 2 घंटे में पता चल जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है इसी पास को लेके, तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।